हेलो यार, वेलकम बैक, आप सभी का स्वागत है एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और जैसे कि आपको वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के पता चली गया होगा, आज हम बनाने वाले एक क्रीपर फार्म जिससे हमें मिलने वाला है गन पाउडर। तो भी चलो ज्यादा डिले ना करते हुए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। और कैसे ये वो सारे आइटम्स जो हमें ये फार्म बनाने के लिए चाहिए होगा, और कैसे हमें ये फार्म बनाने के लिए इतना बड़ा एरिया चाहिए होगा। मैंने जो बॉर्डर लाइन होगा इस फार्म का वो मैंने मार्क करके रखा है, तुम्हें मार्क करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी दिखाता हूँ बॉर्डर लाइन कैसे बना सकते। सो इसके लिए हमें पहले 5 ब्लॉक्स प्लेस करने पड़ेंगे। तुम कोई भी ब्लॉक यूज कर सकते हो, मैं कॉबलस्टोन यूज कर रहा हूँ क्योंकि कॉबलस्टोन सबसे ज्यादा इजिली मिल जाएगा तुम्हें। तो सबसे पहले तुम्हें 1, 2, 3, 4, 5 ब्लॉक्स प्लेस करने हैं। फिर 5 ब्लॉक्स प्लेस करने के बाद उसके से राइट कॉर्नर पे एक ब्लॉक प्लेस करना पड़ेगा। फिर उसके भी राइट कॉर्नर पे एक और ब्लॉक प्लेस कर दो, जिसके बाद ये कुछ दिखने में ऐसा लगेगा। तो ये 2 ब्लॉक्स छोड़ के तुम्हें ऐसे ब्लॉक्स प्लेस कर देने हैं। फिर इसके भी साइड में ऐसे 2 ब्लॉक्स प्लेस कर दो, और फिर इसके नीचे हमें ब्लॉक्स प्लेस करने हैं। इस वाले ब्लॉक पे एक ब्लॉक प्लेस कर दो, और उसके बाद इस वाले ब्लॉक पे भी एक ब्लॉक प्लेस करने के बाद फिर से तुम्हें 5 ब्लॉक्स प्लेस करने हैं। 1, 2, 3, 4, 5। और इस साइड भी 5 ब्लॉक्स प्लेस करने के बाद ये जो सबसे साइड का ब्लॉक है इसको लेके हमें टोटल 13 ब्लॉक्स प्लेस करने हैं। तो ये 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। फिर 13th नंबर वाला ब्लॉक प्लेस करने के बाद इसको भी तुम्हें राइट साइड में 5 ब्लॉक्स तक बाहर निकालना है। ये एक ब्लॉक हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, और ऐसे 5 ब्लॉक्स इस साइड को भी प्लेस करने के बाद तुम्हें इसके कॉर्नर पे ऐसे 2 ब्लॉक्स प्लेस करने हैं जैसे तुमने उस वाले साइड पे किया था। और फिर इधर ऐसे 2 ब्लॉक्स, और इन ब्लॉक्स के नीचे भी तुम्हें ऐसे 2-2 ब्लॉक्स प्लेस कर देना। और फिर से इधर 5 ब्लॉक्स प्लेस कर देने, और 5 ब्लॉक्स प्लेस हो जाने के बाद तुम्हें इन दोनों साइड को कनेक्ट कर देना है, जो कि होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। और फिर हमें इस फार्म के बॉर्डर लाइन को एक और ब्लॉक के हाइट तक ले जाना पड़ेगा। ये बॉर्डर लाइन जो है वो 2 ब्लॉक्स के हाइट तक होगा। तो हमने जो बॉर्डर बिल्ड किया था उसको पूरे एकदम 2 ब्लॉक्स के हाइट तक कर दो पूरा। और फिर इसे 2 ब्लॉक्स का हाइट तक करने के बाद हमें ऐसे बीच में आ जाना होगा, और इधर ऐसे 2-2 ब्लॉक्स प्लेस कर देने साइड में, जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलेगा कि हमें इधर 6 ब्लॉक्स मिल रहे हैं बीच में। और ब्लॉक्स प्लेस हो जाने के बाद तुम्हें आ जाना है नीचे, और इधर ऐसे 6 ब्लॉक्स जो है इन्हें माइन कर लेना है। और माइन करने के बाद ये 2 साइड के जो ब्लॉक्स है इन पे ऐसे ट्रैप डोर प्लेस कर दो। इस साइड के ब्लॉक्स पे भी ट्रैप डोर प्लेस कर दो दोनों साइड के ब्लॉक्स में, और उन्हें ऐसे बंद कर दो, जो कि दिखने में कुछ ऐसा लगेगा हमें बीच वाला ब्लॉक छोड़ के ये दोनों साइड के ब्लॉक्स में ट्रैप डोर प्लेस कर देना। और ट्रैप डोर प्लेस हो जाने के बाद तुम्हें ले लेना अपना कारपेट, और ये जो कारपेट है तुमने जो बीच वाला ब्लॉक छोड़ा था उस पे प्लेस करो और इन दोनों साइड पे प्लेस कर दो। और फिर ऐसे ही हमें 2 ब्लॉक्स छोड़ के ऐसे कारपेट प्लेस कर देना है, इनके सीधा सीधा 2 ब्लॉक्स का गैप रहना चाहिए बीच में, और ऐसे कारपेट प्लेस कर दो। और फिर सबसे आखिरी वाला जो मिडिल का लाइन है उसके लाइन के इधर एक कारपेट प्लेस कर दो, जो कि दिखने में कुछ ऐसा लगेगा। और ऐसे सेम टू सेम तुम्हें दूसरे साइड को भी कर लेना है। और फिर दोनों साइड पे कारपेट प्लेस करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। और फिर स्टेयर बनाने के बाद तुम्हें तो कैट्स ढूंढ लेने हैं, और उन कैट्स को टेम कर दो। और टेम करने के बाद फिर से उन्हें लीड से पकड़ लो दोनों को, और अपने साथ लेके चलो उन्हें। ऐसे दोनों कैट्स को लेके अपने बिल्ड के अंदर आ जाओ, और तुम जैसे ही अंदर आओगे देखने के लिए मिलेगा कि कैट्स जो है कैट्स भी अंदर आ चुके हैं। और फिर कैट्स को अंदर लाने के बाद तुम्हें जो ये आखिरी वाला कारपेट है इधर अपने कैट को ले जाके बिठा देना है। तो अपने कैट को ऐसे पुश कर करके ले जा सकते हो, और फिर ये जो कारपेट है इसके ऊपर बिठा दो। तुमने इस साइड के कारपेट पे एक कैट बिठा दिया, और फिर दूसरा कैट भी लाओ इस साइड को, और फिर कैट को लाने के बाद उसे भी इस वाले कारपेट के पास लाओ, और ऐसे ये जो आखिरी वाला कारपेट है इस पे बिठा दो अपना कैट, ताकि जो क्रीपर स्पॉन होंगे वो कैट से डर जाए और इधर चले जाए। और फिर कैट्स को ऐसे दोनों साइड में प्लेस करने के बाद तुम्हें आ जाना है फिर से बीच में, और ऐसे 3 ब्लॉक्स नीचे तक माइन करना है। हमने 1 ब्लॉक नीचे माइन किया, इसके और भी 3 ब्लॉक्स नीचे तक माइन करना है हमें। और फिर 4 ब्लॉक्स नीचे तक माइन करने के बाद हमें ऐसे नीचे आ जाना है, और जिस साइड में 2 ब्लॉक्स देख रहे हैं तुम्हें ऐसे हमें टोटल 16 ब्लॉक्स माइन कर लेने हैं। और फिर 16 ब्लॉक्स माइन कर लेने के बाद हमें आ जाना है इस साइड को फिर से वापस, और वापस आने के बाद हमें इस साइड पे प्लेस कर देना है 2 वाटर बकेट ऐसे दोनों साइड पे। और फिर जहाँ पे भी वाटर रुक रहा है उधर से हमें 1 ब्लॉक नीचे तक ऐसे माइन करना है, और वाटर को पूरा इधर तक लाना है। जैसे देख सकते हो वाटर पूरा इधर तक आ चुका है। अब बस हमें अपने लिए एक छोटा सा रूम बना लेना है, और ये रूम हमें 2 ब्लॉक्स नीचे बनाना है इस वाटर लेवल से। और फिर ये रूम बना लेने के बाद हमें अपने टॉर्चेस भी प्लेस कर देने हैं, ताकि कोई इधर मॉब वगैरह स्पॉन ना हो सके। जैसे देख सकते हो हमें एक ऐसा रूम बना लेना है, ताकि इधर हम अपना कलेक्शन सिस्टम बना सके। और कलेक्शन सिस्टम बनाने के लिए हमें इस साइड पे ऐसे एक डबल चेस्ट प्लेस कर देना है, और फिर उससे कनेक्ट करके 2 हॉपर्स हमें ऐसे प्लेस करना है, ताकि ये जो वाटर है वाटर के एंड पे हमें ये हॉपर्स देखने के लिए मिले, ताकि जो क्रीपर है वो आके इधर सीधे हॉपर पे गिर जाए। और फिर हॉपर के ऊपर मैं एक सोल कैंप फायर प्लेस कर रहा हूँ, तुम चाहो तो नॉर्मल कैंप फायर भी प्लेस कर सकते हो।
और फिर कैंप फायर के साइड में हमें इस तरह ऐसे एक स्लैब प्लेस कर देना है, और फिर ग्लास ले लो अपना और इस ग्लास को ऐसे प्लेस कर दो ताकि जो कोई क्रीपर है वो तुम्हारे पास ना आ सके। जैसे कि देख सकते हो हमें ये ग्लास ऐसे प्लेस कर लेने हैं, और फिर उसके नीचे हमें स्लैब्स भी प्लेस करने हैं ताकि क्रीपर तुम्हें देख ना पाए। अगर तुम्हें देख लेगा तो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा। और जैसे कि देख सकते हो हमारा कलेक्शन एरिया बन चुका है, और इस कलेक्शन सिस्टम के पास हमारा काम खत्म हो चुका है। अब हमें एक स्टेयर्स बना लेना है ताकि हम ऊपर जा सके इधर से, और ज़रूरत पड़े तो ऊपर से नीचे भी आ सके, क्योंकि हमें अपना गन पाउडर कलेक्ट करने इधर ही आना पड़ेगा। और फिर अपने फार्म के पास वापस आ जाओ, और वापस आने के बाद हमें ट्रैपडोर प्लेस करने हैं, ऐसे जो ब्लॉक्स है उनके ऊपर ऐसे ट्रैपडोर प्लेस कर दो। और ऐसे क्राउच करके हमें पूरा एरिया ट्रैपडोर से कवर कर देना है ताकि इधर सिर्फ क्रीपर स्पॉन हो सके और कोई मॉब स्पॉन ना हो सके। और जैसे कि इस साइड को हमने ट्रैपडोर से कवर कर लिया, और हमें दूसरे साइड को भी ऐसे ट्रैपडोर से पूरा कवर कर देना है ऊपर तक। और गाइस ट्रैपडोर प्लेस करने के बाद अगर तुम सारे ब्लॉक्स के और ट्रैपडोर के ऊपर स्लैब्स प्लेस कर दोगे तो तुम्हारा फार्म ये कम्प्लीट हो जाएगा। बट अगर तुम इसे दो तीन लेयर्स का बनाना चाहते हो तो तुम्हें इसके ऊपर नॉर्मल ब्लॉक्स प्लेस कर देने हैं ऐसे कॉबलस्टोन, क्योंकि अगर हम इसे दो तीन लेयर्स में बनाएंगे तो हमें और भी ज़्यादा गन पाउडर मिलेगा। सो इसलिए मैं रेकमेंड करूंगा इसे कम से कम तीन लेयर्स तक तो बनाओ, क्योंकि तीन लेयर्स तक बनाएंगे तो हमें बहुत ही अच्छा अमाउंट मिलेगा गन पाउडर का। और मैं इसे तीन लेयर्स तक ही बनाने वाला हूँ, बट अगर तुम्हें ज़्यादा गन पाउडर की ज़रूरत नहीं है तो तुम इसे एक लेयर तक ही बना सकते हो। अगर तुम इसे दो तीन लेयर का बनाना चाहते हो तो तुम्हें ऐसे कोई भी बिल्डिंग ब्लॉक प्लेस कर देना है, और फिर जैसा हमने फर्स्ट लेयर में किया था वैसे ही हमें सेम टू सेम चीज़ करनी है। जितना ज़्यादा लेयर तुम बनाओगे उतना ज़्यादा अमाउंट मिलेगा तुम्हें गन पाउडर का। और जैसे कि देख सकते हो मेरा जो ये फार्म है मैंने इसे थ्री लेयर्स तक बना लिया है। और अगर समय एएफके रूम बनाने के लिए 120 ब्लॉक्स ऊपर जाना पड़ेगा फार्म के बॉटम से, तो तुम इसके लिए क्या कर सकते हो, स्कैफोल्डिंग ले लो, दो स्टैक्स एक 60-60 का स्टैक्स ले लो स्कैफोल्डिंग्स का, और फिर उन्हें एक एक करके प्लेस करते जाओ। और जैसे ही सारे स्कैफोल्डिंग्स प्लेस हो जाएंगे तुम समझ सकते हो कि तुम 120 ब्लॉक्स ऊपर पहुंच चुके हो। और फिर इन स्कैफोल्डिंग्स के मदद से ऊपर चढ़ के हमें जाना पड़ेगा और बनाना पड़ेगा एक रूम। और स्कैफोल्डिंग के ऊपर आने के बाद तुम्हें एक स्कैफोल्डिंग तोड़ देना है, और फिर उसके ऊपर ब्लॉक प्लेस कर दो। जिस साइड के तुम्हारे फार्म है उस साइड को ऐसे ब्लॉक्स प्लेस करके तुम अपने लिए एक एएफके रूम बना सकते हो बहुत ही इजीली। और गाइस जैसे कि देख सकते हो मेरा एएफके रूम बन चुका है। अब तुम्हें बस इधर एएफके जाना है, और तुम्हें ये देखने के लिए मिलेगा कि तुम्हारे फार्म में क्रीपर स्पॉन होना चालू हो चुका है। चलो मैं अभी नीचे जाके देख लेता हूँ कि क्रीपर स्पॉन होना चालू है या फिर नहीं। और गाइस जैसे कि देख सकते हो हमें क्रीपर का साउंड आ रहा है, और इधर हम जाएंगे तो हमें देखने के लिए मिलेगा कि अभी एक क्रीपर मरा। और जैसे कि देख सकते हो बाकी सारे क्रीपर्स भी आ रहे हैं, और हमें इधर बहुत सारा गन पाउडर भी मिल चुका है। सो इसका मतलब ये है कि हमारा ये जो गन पाउडर फार्म है बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो फिर चलो मैं 5 मिनट के लिए एएफके जाता हूँ इस वाले फार्म में, और फिर देखता हूँ हमें कितने सारे गन पाउडर मिलते हैं 5 मिनट्स के अंदर। अगर 5 मिनट एएफके हो चुके हैं, अब चलो हम जाते हैं और देखते हैं कि हमें कितना ज़्यादा गन पाउडर मिला है। जैसे कि देख सकते हो क्रीपर आ रहे हैं अभी भी, और जैसे कि देख सकते हो हमें बस 5 मिनट के अंदर 41 गन पाउडर मिल चुका है, जो कि बहुत ही ज़्यादा होता है। जैसे कि देख सकते हो और दो क्रीपर्स आ गए, इसलिए हमारे पास 45 गन पाउडर आ गए बस 5 मिनट्स के अंदर। जिसका मतलब ये है कि हमें बस एक घंटे के अंदर 540 गन पाउडर मिलेंगे, जो कि इतने छोटे गन पाउडर फार्म के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा होता है। और गाइस ऐसे ही अच्छे अच्छे फार्म के वीडियोज़ देखने के लिए राइट साइड वाला प्लेलिस्ट चेक करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर तुम्हें स्केलेटन फार्म भी चाहिए तो तुम्हें लेफ्ट साइड में स्केलेटन फार्म का वीडियो भी मिल जाएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो डोंट फॉरगेट हिट द लाइक बटन, और इस वीडियो से तुम्हें थोड़ी सी भी हेल्प मिली तो प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। सो आई थिंक चलो गाइस दैट्स इट, आज के लिए इतना था, हम मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए सावधान रहे, सतर्क रहे, बाय बाय।